शब्दसाची का स्तंभ होम स्वामिनी, मैं हूँ आपके साथ नियाजिया और आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई होम स्वामिनी को लेकर। तो आइए मिलते हैं शमीम शोएब जी से। अस्सलाम वालेकुम शमीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहे दिल से इस्तकबाल हमारे इस कार्यक्रम में। वालेकुम अस्सलाम, हमें भी बहुत खुशी हुई और जब आपका फोन आया तो बहुत एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए, आपकी आवाज़ ही इतनी अच्छी है। हम भी बहुत एक्साइटेड थे और स्पेशली ये वक्त हमने चुना है क्योंकि अभी ईद की रौनकें बरकरार हैं, दावतों का दौर चल रहा है, तो हमें भी लगा कि आपसे मिल लें और हमें भी सेवैया मिल जाए। शमीम जी, आज कौन कौन है आपके साथ, किससे किससे मिलवाएंगी हमें? साथ में हमें दिख रही है बहू भी है, तो थोड़ा सा मिलवा दीजिए। बिल्कुल, ये मेरी बहू है संबीन जी और ये ज्योति स्कूल में पढ़ा रही हैं, और मेरे बेटे हैं ईशान और इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है और यहीं पे अपना काम दोनों कर रहे हैं। अच्छा जी जी, ये दोनों अपना बिजी रहते हैं, हम अपने घर में बिजी रहते हैं। तो इतनी खूबसूरत सी बहू कहाँ मिल गई आपको, इनकी शादी का कुछ किस्सा है क्या? ये लखनऊ की है। अच्छा अच्छा जी, और हो गया इनसे, मैं ये लोग की लव मैरिज है। हाँ। तो मैं पहले मैंने हस्बैंड को नहीं बताया था। अच्छा। और मैं इससे बात करती रहती थी, फिर उसके बाद फिर हो गया। पहले आपको इम्प्रेस किया है। ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, बहुत समझदार और बहुत अच्छे से, अब एक साल हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, बहुत समझदार है। तो बस संप्रीन, हमें कुछ खूबियाँ बताओ, हमने आपकी मम्मा को चुना है अपनी होम स्वामिनी के लिए, तो क्या कुछ खासियत है जो हम नहीं जानते अभी? मम्मी के जैसे वो एक साल, मम्मी ने जैसे बताया एक साल जी, तो मम्मी कोई भी काम करती है, जो भी करना हो, जैसे गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, खाना बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तो कुछ भी करती है ना, तो एक तो विद परफेक्शन होता है। हाँ। और वही काम अगर जैसे कुछ भी कर रही है, वही काम हम करें तो हमें उसमें मतलब हम करते रह जाएंगे, टाइम लग जाएगा, वक्त लग जाता है। और मम्मी आई थी और फटाफट मतलब करके और बिल्कुल, और वो भी ऐसा नहीं कि फटाफट करेंगी, वो भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ होगा, कुछ भी बनाना होता है तो आती है, फटाफट बनाया, देखा, नमक चखा, सारी चीजें बिल्कुल मसाले बराबर, अपनी माँ के बारे में तो मतलब तारीफ ही करेगा, बिल्कुल हम तारीफ ही सुनना चाहते हैं। मम्मी का ऐसा है कि मम्मी को मतलब गार्डनिंग का बहुत शौक है, कुकिंग का बहुत शौक है और खाने की ऐसे बनाती है कि हम लोग को तो मजा आ जाता है। और कुछ करती भी है क्या इसके लिए, कुकिंग के लिए? कुकिंग के लिए बीच में उन्होंने शुरू किया था यूट्यूब चैनल, उसके बाद यही हम जानना चाह रहे थे कि आज हम क्या पूछ सकते हैं। मतलब खाने का ऐसा है कि मम्मी का टेस्ट ऐसा है कि अगर किसी और ने बनाया होगा, अच्छा, तो मतलब मैं बिल्कुल ये बता दूंगा कि मम्मी ने ये चीज नहीं बनाई खाने की। मतलब इवन आप ये मानिए अगर सूजी का हलवा भी होगा तो वो भी इनका बहुत अलग रहता है टेस्ट, तो फिर बच्चे पहचान जाते हैं वो के हाथ का एक अलग ही जायका होता है। गार्डनिंग का इनका बहुत शौक है, फूल लगाने का, और जहाँ भी जाएंगी अगर इनको फूल दिख गए रास्ते में तो गाड़ी रुकवा के जरूर से जरूर फूल जो है खरीद के लेके आके हमें दिखा है, गार्डन बहुत अच्छा था। और दोनों मिले कैसे, आपको तो इम्प्रेस कर लिया जी, फिर शादी कैसे हुई? शादी तो फिर मतलब इनके मम्मी पापा आए और फिर उसके बाद तो समरीन बताएंगी किस्सा क्या है, समरीन कैसे दोनों मिले? हम मतलब फर्स्ट टाइम मिले तो जी, मतलब मेरे फादर इन लॉ के, मेरे फादर के एक म्यूचुअल फ्रेंड है। अच्छा जी, तो उनके मतलब ऐसे घर पे और मेरी जो सिस्टर इन लॉ तो उनके लिए सब मतलब फैमिली लखनऊ आई थी ऐसे शादी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सिलसिले सिलसिले में आई थी और फिर वहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम हम वहाँ से मिले। अच्छा मतलब फैमिली
अच्छा अच्छा, तो बातें हम और करेंगे शमीम जी, पहले एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। ठीक 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 है, तैयार है आप? शमीम जी, अब आप सबके साथ हम एक गेम खेलने वाले हैं। हमारे पास कुछ गुब्बारे हैं, आपको मिलेगा एक मिनट, उसमें हम देखते हैं कौन कितने गुब्बारे फुला लेता है। ठीक है ठीक है, तैयार है? ले लीजिए। हमें कितने का लेना? अभी एक एक मिनट, एक को मिलेगा। अच्छा है ना, काउंट करना। हाँ ठीक है, सबको एक एक मिनट है सबके पास। अच्छा कितने हम फुला के रख सकते हैं? अलग अलग भी कर सकते हो, एक एक कर। शमीम जी आपका वक्त शुरू होता है अब। हौसला अफजाई हो जाए थोड़ा, तालियां। वाह, दीदी ने मेहनत की है। ओहो हाँ, बांधना भी है साथ में। एक तो हो गया है। और हाँ हाँ, अच्छा अभी है आपके पास बात। ये मुश्किल काम है, नहीं बांधना ये भैया। दो हो गए, तालियां होनी चाहिए, दो हो गए हैं। चलिए, नहीं तीन काउंट हो गया, शमीम जी ने तीन कर लिए। चलो अब समरीन की बारी। आपका भी वक्त शुरू होता है अब। गुड गुड गुड, जल्दी जल्दी जल्दी। पूरी पूरी ताकत लगा दी है यहाँ पर। ये तीसरा नहीं, चौथा है। चौथा है, वाह, तीन हो गए। अब ईशान की बारी है। ईशान अम्मी से थोड़ा आगे निकल गई है ना, रख लीजिए। वादा नहीं आता। आपका वक्त शुरू होता है अब। समरीन ने तालियां नहीं बजाई, बताओ। एक काम करो, समरीन छोड़ो। एक एक इनके चार है। दो पेशेंस, ये मुश्किल काम है। हाँ ये है, कर लिया। अभी विनर है हमारी समरीन। हाँ विनर समरीन, वेरी गुड, तालियां। गुड गुड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ, जो गुब्बारों से ही जुड़ा है। तो गुब्बारों को भी आपको क्या करना है, अपने गुब्बारों को बचाना है। ठीक है, अपने को बचाना है और दूसरों के फोड़ना है।
अच्छा ठीक है, अपना आप एक गुब्बारा चुन सकते हैं और दूसरे का फोड़ना है इसलिए उसके लिए कुछ ले सकते हैं, टूथपिक वगैरह कि वो फूट जाए। ठीक है, तैयार है? आप सबका वक्त शुरू होता है अब। अब कैसे फोड़ना है एक दूसरे का? हमारे इस गेम के विनर हो चुके हैं ईशान जी, क्योंकि इन्होंने अपना गुब्बारा बचा लिया है और आप सबके फोड़ दिए हैं। जी जी जी। और चूंकि हमारा ये रूल था कि जिसके पास हम एक गुब्बारा बचेगा अपना वही हमारा विनर होगा, क्योंकि दो गेम हमने खेले उसमें एक में समरीन विनर हुई और दूसरे में ईशान जी। अब शमीम जी हमें अपने शरीक हयात से भी मिला दीजिए। जी, ये हमारे शोहर है जी, ये शोएब कमर जी जी, और हो गया 1919 हम लोग की शादी थी। अच्छा, काफी लंबा है। काफी, माशाल्लाह 33 इयर्स हो रहे हैं जी, और बहुत ही अच्छी जिंदगी चल रही है, बहुत ज्यादा हम लोग दोनों में अंडरस्टैंडिंग है जी जी, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल्ली से हूँ और ये दुबई से है, तो कैसे मिलना हुआ इसके पीछे भी तो कोई किस्सा नहीं। अरेंज मैरिज है, फिर भी कोई यादगार लम्हा जो मैं बताना चाहें हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा? हाँ, ऐसा नहीं, हमारे जो ससुर हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे जी, तो इसी सिलसिले में वो दिल्ली आए और फिर हमारे पेरेंट्स से मिले वो, तो वहीं से फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ जी, और हो गया। और कुछ तो देखा कब हुआ, ऐसा तो नहीं कि देखा ही नहीं था? नहीं नहीं नहीं, हम लोग दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। हमारे लिए ये जानना जरूरी था जी, जी। कि कब देखा। नहीं, हमारे ससुर ने ही आफ्टर एंगेजमेंट। हाँ जी, हमारे ससुर ने ही हमको पसंद किया। हम्म, फिर उसके बाद फिर हमारे भाई आए यहाँ पे रीवा, उन्होंने इनको पसंद किया, फिर डेट फिक्स हुई मंगनी की, तो फिर ये लोग सब आए दिल्ली। अच्छा, लेकिन तब तक भी हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। हम्म, और एंगेजमेंट के बाद भी नहीं देखा था। अच्छा, तो यही है सब। माशाल्लाह, क्या खासियत लगी आपको जब आप मिले शमीम जी से? और कुछ खासियत बताना चाहेंगे जो हम नहीं जानते? अच्छा, हमें भी बहुत अच्छी लगी इसलिए हमने चुना है इनको आज अपने इस कार्यक्रम में जी। छोटा बेटा बचा है, लाइफ इज गोइंग वेरी स्मूथली। और कुछ आपको खुश करने के लिए क्या क्या करती हैं? सब करती कुछ खास कोई जतन जी? खाना क्या अच्छा बनाती है? सब सब कुछ। तो शमीम जी, आज आप हमें क्या बताएंगे, कुछ सिखाएंगी मेरे दर्शकों को कुछ नया? हाँ, जैसे ईद में हम लोग के सेवई बनती है जी, तो बिल्कुल हम बताते हैं आपको। अच्छा अच्छा, कौन सी सेवैयाँ बताएंगी? हाँ, मावी सेवई इन लोग के यहाँ खास बनती है। ऐसा है, जैसे एक किलो सेवई है तो उसमें हम लोग प्रपोर्शन 3 किलो शक्कर लेते हैं और 3 किलो दूध लेते हैं। तो जैसे भगोने में हमने घी डाला, सेवई को अच्छे से भून लिया, उसको एक तरफ निकाल के रख दिया। अब हमने चाशनी बनाई, चाशनी हम एक तार की बनाएंगे और उसमें हम कलर डाल देंगे। अच्छा, हाँ, जब कलर डल जाएगा, चाशनी पूरी तरह तक बन जाएगी, तो उसमें फिर हम लोग शक्कर डालते हैं। जैसे चाशनी
सेवई में डाली जाएगी और उसको तब तक हम लोग पकाएंगे जब तक वो कड़ी ना हो जाए। फिर उसके बाद दूध डाल दिया जाता है और उसको अच्छे से मिला के ढक दे, वो पक जाती है और उसमें फिर केवड़ा और जाफरान भी डाल सकती है, इसमें छोटी इलायची भी डाल सकती है और उसमें खोआ भी डलता है। तो अब जैसे एक किलो सेवई है तो आप एक पाव खोआ डाल सकते हैं। ये कब डालें खोआ? ये खोआ सबसे लास्ट में जब वो बन जाए। अच्छा, पूरी तरह बन जाए फिर उसके बाद फिर उसमें खोआ डाल देंगे। अच्छा, उसको एंजॉय। उसको भूने नहीं खोआ को, ऐसे डाल? नहीं नहीं, हम लोग तो ऐसे ही डालते हैं, नहीं भूनते उसको, ऐसे ही डाल देते हैं। सबको पता चल गया है ऐसे की मामी सेवैया बन गई है। तो सेवैया हम कुछ अलग है, इसमें मोटी पतली ऐसी बारीक वाली? बारीक वाली सेवैया होती है, ये मोटी वाली नहीं होती है, ये अलग तरह से आती है। अच्छा, तो वही हम लोग यूज करते हैं। अब तो लगता है कि इस एपिसोड के बाद सबके पास सेवैया मिलेगी, हमें हम जरूर जाएंगे, सबका इंतजार रहेगा सबको। चलिए एक गेम थोड़ा सा और खेल लेते हैं, बातें हो गई हमारी, आपकी कुछ खासियत जान ली। अभी हमारे ख्याल से कुछ और रह गया है? नहीं रह गया है। तो कितनी एक्टिव रहती है, कहाँ पर जुड़ी है? और वेरी एक्टिव जी। हाँ, बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाना, अच्छी अपब्रिंगिंग करना जी जी, ये सारे इनके शौक। अच्छा, कुछ महिलाओं से भी जुड़ी रहती हैं जी, जहाँ तक हमें पता है, महिला समिति के मेंबर भी, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती रहती हैं जी। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों का ये लंबा साथ है, काफी लंबा अरसा हो गया है, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे समझते हैं, हमारी दुआ भी इसी तरह ये बरकरार रहे, खुशियां इंशाल्लाह। तो अभी एक छोटा गेम खेलते हैं, और हमें पता है कि वैसे आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो कुछ गुनगुना के बताइए जो शमीम जी समझ जाए आपके आकार में गाने से। तो शमीम जी, आपको एक गाना पहचानना है जो शोएब भाई आपको गुनगुना के बताएंगे, तर्ज में, आकार में, उसमें बोल नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए शोएब भाई कोई गाना। जल्दी से पहचानिए। हाँ, गाए आप, गाए गा के बताइए। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जानी, मगर लगता है कुछ अब आप साथ दे सकते हैं। मेरा हमदम मिल गया। वाह, अब आप कुछ दे दीजिए इन्हें कोई गाना जो अच्छा पहचान सके। कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से गा दीजिए। वाह, शादी दीजिए मम्मी। ये उठी सुबह चले, ये झुकी शाम चले, मेरा जीना मेरा मरना यही पलकों की तले। दुनिया को किसी और दुनिया में तालियां तालियां, बहुत बहुत खूबसूरत। अब हम चलते हैं अपनी अगली जोड़ी की तरफ, नई जनरेशन की तरफ जी जी। तो ईशान के पास चलते हैं। ईशान, अब आप कोई गाना गुनगुना दीजिए समरीन के लिए, और समरीन जल्दी से पहचानना है कि कौन सा गाना है, तो मैं गा के बताना। Mm-hmm.
ईशान साथ दे दीजिए अब मेरे समझिए मेरे समझिए जिंदगी क्या चीज है। अब आपकी बारी। रात हो न हो शायद से जन्म मुलाकात हो न हो। शमीम जी, हम एक बार फिर चलते हैं अपने गेम की तरफ। जी, तो हमारा गेम कुछ ऐसा है कि आपको एक गुब्बारा ऊपर फेंकना है और उसके नीचे गिरने से पहले एक बैंगल लेके उसको बेलन के अंदर डाल देना है। अभी हम आपको दिखाते हैं, तो गुब्बारा देखते हैं कि जब तक गिरता नहीं है तब तक आपकी कितनी बैंगल्स बेलन में हमारे इकट्ठे हो जाती है, जिसकी सबसे ज्यादा होंगी वो हमारा विनर होगा। ओके, ठीक है, तैयार है? एक बैंगल जा चुकी है, दूसरी जल्दी दो, तीसरी, चौथी, पांचवी, अरे दूर चला गया। आप तो क्या ना उसके पीछे ये गिर गया। अरे गया। दो। जाना है गुब्बारे के पीछे जाना है। अभी विनर है, अभी हमारे आगे चल रहे हैं शोएब भाई। ओहो बहुत मजा आ गया। ज्यादा ऊपर जाने नहीं दे रही समरीन। ऊपर नहीं जाने दे रही है उसको। वाह, इतना हल्के से जोर लगा रही है कि वो बेचारा नीचे नहीं जा रहा गुब्बारा। अरे दो समरीन ने बहुत होशियारी से खेला है। अभी हमारे विनर हो गए हैं ईशान।
शमीम जी, अब हम जो दूसरा गेम खेलने वाले हैं उसके लिए आप तैयार हैं जाहिर है जी जी। एक बटन टांगना है और आप दोनों में जो सबसे पहले हमें टांग के दिखा देगा वो हमारा विनर होगा। ये नई और पुरानी जनरेशन के बीच में भी एक कॉम्पिटिशन है, सास बहू के बीच जी, में जी, तो शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे से टांगना है समरी, बिल्कुल मम्मी जैसा। पीछे मम्मी बोल ले रही है। ओ, ओ, गलत हो गया, गलत हो गया। ये क्या हुआ आज? तो बहू जीत गई, ये कैसे हो गया? देखे ये मेरा तो गलत ही हो गया। ओहो, विनर हो चुकी है हमारी समरीन, तो तालियां हो जाए। बिल्कुल गुड गुड। शमीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी होम स्वामिनी बनने के लिए, और एक ये छोटा सा गिफ्ट है शक्ति सांची की जानिब से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। शुएब जी, आपके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी होम स्वामिनी का ख्याल रखने के लिए, इतना अच्छा गेम खेलने के लिए, ठीक है, और जीतने के लिए भी। समरीन, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए भी शब्द सांची की जानिब से, और इतना अच्छा गेम खेलने के लिए, हम सबका साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी। ईशान, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए शब्द सांची की जानिब से। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम जी, मैं चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगी कि खुशहाल जिंदगी के लिए क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा मंत्र क्या होना चाहिए? जी, जैसे कुरान शरीफ में एक आयत है, वस्तैनू बिस्सब्र। जी जी, तो कुरान कहता है कि हमें सब्र से मदद लेनी चाहिए। और सब्र की सबसे इंतहा अदना तरीन मिसाल बर्दाश्त। जी, तो यही मैसेज दूंगी कि सब्र करो और खुशहाल रहो जी, क्योंकि सबसे पहली जो चीज है वही जो जाती है हमारे अंदर से, वो सहनशीलता ही है। जी जी, तो सब्र बहुत बड़ी एक नेमत है अल्लाह की, अगर उसको हम अपना लें अपनी जिंदगी में, बिल्कुल, तो एक सही रास्ता मिलता है, ठहर के अगर हम कोई चीज सोचते हैं तो सही दिशा में जाते भी। बहुत शुक्रिया शमीम जी आपका, और हम जानना चाहेंगे कि आप सब मिलके अपने इन खूबसूरत से पलों को कैसे एंजॉय करते हैं, तो क्या कुछ करते हैं बता दीजिए, क्या कभी बैठ के गाना गुनगुनाते हैं? बहुत, कई बार। आज गुनगुना दीजिए हमारे लिए साथ में। ये प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, छुपा कर बोला है, कुछ हो कर बोला है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है,
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ओम स्वामिनी का ये खुशनुमा लम्हा यही पड़ाव डालता है। फिर निकलेंगे एक नए सफर में नई ओम स्वामिनी की तलाश में। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्द सांची से। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।